आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज का दिन हम सबके लिए उत्सव पर्व का दिन है। जब श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, श्री कृष्ण भगवान के जन्म से उनके जीवन की तमाम लीलाएं बाल्यकाल से लेकर उनके ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग हम सबको मानवता को मार्गदर्शित करती है। मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती है और आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के साथ हम सत्य के मार्ग पर चले इस ओर कर्म करने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण का निष्काम कर्म योग हमेशा हमें इस सृष्टि के अंदर कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है और कर्म होता न अवसाद में होता, वो तो प्रभु के चरणों में ये मानकर कि मेरा धर्म है, मेरा कर्म है और मुझे इस सृष्टि में करना ही है। भगवान ने मुझे मनुष्य जीवन दिया है और जीवन में मैं जितना हो सके सत्य के मार्ग पर चल के जीवन रूप से मानवता की सेवा कर सकू, कल्याण कर सकू। आज विशेष रूप से हमेशा की तरह मुखिया मदन लाल जोशी स्मृतियों के अंतर्गत बल्लभ 2022 जोशी परिवार के द्वारा हमेशा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित और जो मुखिया मदनलाल जोशी जी ने जो हमें प्रेरणा दी, दिशा दी, उस दिशा पर चलने के लिए हमेशा हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणा मिलती है और श्रीमती बरका जोशी जो हाड़ौती नहीं राजस्थान नहीं पूरे देश में जिन्होंने अपने कथक से द्वारा अपनी सारे नृत्य को भगवान पे समर्पित किया और उन्होंने हजारों नौजवान बच्चों को इस कथक के माध्यम से प्रेरणा दी। मुझे वर्षों से याद है कि बाल्यकाल से वो भगवान के इस काम में लगी हुई है और उन्होंने कई बालक बालिकाएं को एक हमारा शास्त्रीय संगीत, हमारी पारंपरिक, हमारी प्राचीन पर हमें आज भी गर्व है और आज भी दुनिया के अंदर हमारी कथक केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं, हमारे धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है और उसमें भगवान को समर्पित होकर हम इस कथक के माध्यम से हमारी पुरातत्व संस्कृति, सांस्कृतिक झलक पूरे देश के अंदर
भारत का मूल रूप से जो संस्कृति है, सांस्कृतिक है, उसमें कथक का हमेशा महत्व रहा है और चाहे कितनी भी सदियां गुजर गई हो, लेकिन आज भी इस देश और दुनिया के अंदर हमारी सांस्कृतिक महत्वपूर्ण हिस्सा कथक का रहा है। मैं इसके लिए बरका जोशी और उसकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो हर वर्ष इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। यहाँ प्रधान महाराष्ट्र की सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ पर आज के दिन कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर यहाँ पधारे, और सभी लोग इस मल्लपुरम 2020 के हिस्से में शामिल हुए, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जोशी परिवार को पुनः धन्यवाद, जो हर वर्ष हमें इस कार्यक्रम में आयोजित बुलाता है और हमें भी ये शम भगवान के नजदीक आने का और हमारी पुरातत्व संस्कृति को और सांस्कृतिक झलक को देखने का मौका मिलता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।